हमारा सफर होगा नेपाल की यति एयरलाइंस में ATR 72-500। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा है प्लेन तो, नेपाल का फ्लैग भी लगा हुआ है इन बुद्धायर। Who's amazing? Woo! क्यूट ट्रैक्टर देखो यार, कतर एयरलाइंस। मस्त मस्त है ना प्लेन्स आपको यहाँ मिलेंगे। मलेशिया एयरलाइंस। गुड मॉर्निंग, दिस इज योर जो, वेलकम टू द चैनल ट्रैवल विद जो। फिलहाल आज हम हैं अभी काठमांडू में, यहाँ पे इस बहुत ही खूबसूरत कोजी सी प्रॉपर्टी कॉल्ड होटल एवरेस्ट नेपाल में हमने स्टे किया हुआ है और अभी हम निकल रहे हैं। आज हमारा प्लान है पोखरा जाने का, जाएंगे हम काठमांडू टू पोखरा इन ATR, जो यहाँ की रीजनल एविएशन होती है ना उसके थ्रू जाएंगे, एविएशन ट्रांसपोर्ट द रीजनल। तो ये हमारा बालकनी का एरिया है होटल का, जहाँ से व्यू पूरा काठमांडू का बहुत ही अमेजिंग दिखता है। पूरा होटल ही होटल है यहाँ पे, इस एरिया में रहो ना बहुत मस्त है, काफी पीसफुल है, उतना ट्रैफिक होंकिंग वगैरह भी नहीं रहता। अभी निकलते हैं सबसे पहले हम एयरपोर्ट, काठमांडू एयरपोर्ट। आज की फ्लाइट जर्नी में बहुत मजा आएगा क्योंकि छोटा 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 प्यारा सा प्लेन है, 78 सीटर। पूरी डिस्क्रिप्शन डिटेल जो है वो वहाँ पहुँच के देते हैं। तो होटल से हमने अभी चेकआउट कर लिया है, काफी बढ़िया लगा होटल, आप आए तो स्टे करना, काफी अच्छा है एम्बियंस, ये रिसेप्शन एरिया एंड ब्रेकफास्ट एरिया। तो चलते हैं, हमारी कैब बुक कर ली है एंड ड्राइव ऐप से। नमस्ते, ट्रॉली हमारी रख दो आगे। इस टाइप की गाड़ी चलती है ज़्यादातर यहाँ पे ना, अपने नेपाल में आओगे मस्त छोटी छोटी प्यारी प्यारी गाड़ी। एयरपोर्ट कितना टाइम लगेगा, कितना दूर? 15 मिनट। नियर बाय, इट्स नॉट सो फार। एंड नेपाल का फ्लैग भी यहाँ पे ना इन्होंने पूरा रिप्रेजेंट किया हुआ है। सार्क में 7 कंट्रीज होती है ना, उनका सार्क का ये ऑफिस बना हुआ है। देखो 7 कंट्रीज के अलग अलग फ्लैग भी लगे हैं, हमारे इंडिया का भी है। होटल से 15 मिनट दूरी पे ही था त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू, पहुंच चुके हैं। आपको दिखाते हैं एक बार एयरपोर्ट का लुक। तो कैब ड्राइवर भैया ने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, बिल्कुल यहाँ पूरा ये पार्किंग एरिया है। पीछे से आए थे ना, वहाँ पे है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट होती है तो वहाँ पीछे रह गया वो। ये अलग से पूरा बना हुआ है डोमेस्टिक डिपार्चर, डोमेस्टिक अराइवल के लिए। यहाँ पे अंदर जो है ये है डोमेस्टिक डिपार्चर के लिए। तो चलते हैं अंदर फटाफट से पार्किंग से अपना लगेज लेके। लेट्स गो। बाहर से ही आपको ना गजब गजब के व्यू देखने को मिलेंगे यार, मस्त मस्त प्लेन, हिमालय, नेपाल एयरलाइंस, वाह मजा आ गया भाई। दोस्तों आज का हमारा सफर होने वाला है नेपाल की इंटरनल यानी डोमेस्टिक एयरलाइन यति एयरलाइन से। यति एयरलाइंस काफी पॉपुलर एयरलाइंस है यहाँ की। हेलो, तो ये है यति एयरलाइंस का यहाँ पे ना काउंटर बना हुआ है, जहाँ से आप टिकट्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। तो दोनों काउंटर यहाँ पे अंदर आके मिलते हैं, तो आप इमीडिएटली आप टिकट परचेज यहीं काउंटर से भी कर सकते हैं। ये है हमारी यति एयरलाइंस 12:20 पे पोखरा के लिए। तो अभी हम यहाँ से करवा रहे हैं चेक इन, सिक्योरिटी चेक इन के बाद यहाँ सामने ही यति एयरलाइंस, शौर्या एयरलाइंस, इवन बहुत सारी फ्लाइट्स के आपको यहाँ काउंटर मिल जाएंगे, जहाँ से आपको बोर्डिंग पास लेना है। तो हमें यहाँ से लेना है यति एयरलाइंस का बोर्डिंग पास। यति एयरलाइंस का फ्लाइंग टाइम है 12:10 का, तो उसके लिए ना लगभग 1 घंटा पहले बोर्डिंग स्टार्ट होती है। तो अभी जैसे हम 10 बजे ही पहुँच गए, एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ता है ना कि ब्लॉगर को थोड़ा शूट वूट भी करना होता है, इस वजह से 11 बजे इन्होंने बोला कि बोर्डिंग पास आपको मिलना स्टार्ट होगा। तो आप आराम से यहाँ पे वेटिंग एरिया बने हैं वेर यू कैन टेक रेस्ट, तो आपके पास बहुत समय है, तब तक आप यहाँ पे बहुत सारी फ्लाइट्स वगैरह हैं उनको देख सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना, यहाँ पे आपको नेपाल एयरलाइंस, श्री एयरलाइंस, बुद्धा एयरलाइंस, यति एंड शौर्या एयरलाइंस, ये सब एयरलाइंस के काउंटर मिलेंगे। मतलब यहाँ डोमेस्टिक फ्लाइट्स है, अगर आपको पोखरा जाना है, भरतपुर जाना है, नेपालगंज जाना है एंड ऑल्सो मस्टैंग, तो उन सब के लिए आपको यहाँ से फ्लाइट मिल जाएगी। दोस्तों मैं अपने जितने भी ट्रैवल प्लान करती हूँ वो करती हूँ वीगो ऐप के थ्रू। वीगो इज अ ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड और इसकी सर्विसेज वेरियस लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। वीगो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ट्रेन टिकट, फ्लाइट एंड होटल बुक कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे प्राइसेस में। वीगो ऐप अब आपके लिए लेके आया है बहुत ही एक्साइटिंग फीचर्स लाइक IRCTC ट्रेन बुकिंग, जिसपे आपको टिकट कंफर्मेशन के चांसेस हाई होते हैं। दिस इज स्पेशली हैंडी जब आप बुकिंग करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स एंड होटल्स की, क्योंकि ये कंपेयर करता है 100 ऑफ फ्लाइट एंड होटल वेबसाइट्स और आपके ट्रिप के लिए लेके आता है चीपेस्ट फेयर्स। अब आप वीजा के लिए भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं वीगो ऐप से। जब भी फ्यूचर में ट्रैवल प्लान करें, वीगो ऐप को डाउनलोड करें एंड बेस्ट डील चूज करें। डिस्कवर द रियल वैल्यू ऑफ ट्रैवल, डाउनलोड द वीगो ऐप, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। हिमालय एयरलाइंस, नेपाल एयरलाइंस, विस्तारा एंड कतर।
इसके काउंटर भी बना हुआ है समिट एयर, जो कि आपको माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के लिए भी लेके जाते हैं। ये माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के लिए होता है स्पेशल ऑपरेट है ना। ओके, आ चुका है हमारे बोर्डिंग पास। वन, वेयर इज माइन? दिस इज माइन। ओके, हियर वी गो। थैंक यू। विंडो सीट मांगी है, दे दी, शुक्रिया इसके लिए आपका बहुत बहुत। यहाँ पे आ चुका है हमारे हाथ में बोर्डिंग पास, और काठमांडू से पोखरा की जो फ्लाइट है ना मात्र 25 मिनट की है, और टैक्सी करने के बाद तो कुल 12 मिनट लगते हैं। मतलब मेरी लाइफ की सबसे छोटी मतलब ATR है, शॉर्ट स्पैन वाली। ओनली 12 मिनट में आप काठमांडू से पोखरा पहुँच जाते हैं। एयरलाइंस जो नंबर है वो है YT679। तो बुकिंग के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है। अभी हम चलते हैं अपने गेट नंबर 2 की तरफ, जहाँ से होगी हमारी एंट्री। लेट्स गो, कम। इसमें आपका 20 kg तक बैगेज अलाउड होता है, और 5 kg तक आप केबिन में ले जा सकते हैं। स्टैंप लगेगी? ओके, ये स्टैंप लग दीजिए हमारे बोर्डिंग पास पे। एंट्री करते ही सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद टी कॉफ़ी ये सब कन्फेक्शनरी है। ये पूरा है ना वेटिंग लाउंज बना हुआ है। यहाँ पे पूरा आराम से आप जब तक टाइम है आपकी फ़्लाइट का तो आप यहाँ वेट कर सकते हो। खाने पीने के 2-3 काउंटर हैं यहाँ पे देखने को मिले जो मुझे। गेट नंबर 2, और 2 के इधर साइड में अगर देखते हो तो गेट नंबर 1, ये है गेट नंबर 1। इधर से जाओगी तो 4, 5, 6 के लिए एंट्रेंस ये रहेगी। हमारी फ़्लाइट YT679 डिलेड हो चुकी है, पता नहीं कितनी देर के लिए है। 1 PM दिखा रहे हैं, 12:10 का टाइम था। काठमांडू एयरपोर्ट के बाद नेक्स्ट जो बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नेपाल का, गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सिद्धार्थ नगर में आता है, लुम्बिनी प्रोविंस में। जो अब ये प्लेस मतलब काफ़ी पॉपुलर है, ये ओपन हो चुका है सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल की तरफ से। यहाँ पे मेंशन भी है एयरपोर्ट पर। और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपको बड़े बड़े ग्लासेस मिल रहे हैं, जहाँ से फ्लाइट जब भी उड़ेगी, मतलब फ्लाइट उड़ती है यहाँ से जाती है, तो आप उसका व्यू मतलब यहीं से निहार सकते हैं। ये है अमेजिंग थिंग इस एयरपोर्ट की। और सबसे और खूबसूरत बात क्या है ना त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, ये पूरा एयरपोर्ट के सराउंडिंग में आपको ना माउंटेन्स ही माउंटेन्स वादियाँ नजर आएंगी। और क्या चाहिए आपको, टेम्परेचर भी अभी यहाँ का ना 30°C, और AQI भी मस्त है, पोल्यूशन वगैरह उतना ज़्यादा नहीं होता इस तरफ। काफ़ी बढ़िया यार, मुझे तो मज़ा आया। बस अब फ्लाइट का इंतज़ार है कि आए और हम देख पाए। सुबह से एक भी फ्लाइट पोखरा नहीं गया, क्यों? बस अभी जा रहा है। वेदर अच्छा नहीं था, और आगा वेदर अच्छा नहीं था, सारी फ्लाइट कैंसिल थी। नहीं कैंसिल नहीं, वेटिंग में था। अभी 8 बजे का फ्लाइट जा रहा है, थोड़ी देर। 8 बजे का फ्लाइट, 11 बजे जा रहा है। हाँ। ओ, हमारा कितने बजे? आपका 1 घंटा डिले है। 1 घंटा डिले है। स्ट्रॉबेरी शेक, ये हमने यहाँ से स्ट्रॉबेरी शेक ले लिया है, वर्थ ₹375। तो एयरपोर्ट पे हो भाई, थोड़ा सा कॉस्टली तो होता है, और इस टाइप का ये स्टोर है, आप यहाँ से ले सकते हो, काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। मस्त लग रहा है यार देखने में। तो ये है हमारा स्ट्रॉबेरी शेक, काफ़ी अच्छा लगा टेस्ट, मतलब शुगर कम है तो बेस्ट है मेरे लिए। अच्छा लगा ना, बहुत मस्त। मलेशिया एयरलाइंस, मलेशिया एयरलाइंस। सूरत बारह 10 का समय था, बट ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से डिले हो चुकी है फ्लाइट। 1:26 पे अभी बोर्डिंग स्टार्ट हुई है, सो लेट्स गो। काठमांडू का वेदर तो काफ़ी अच्छा है, लाइक सनी डे है, बट आगे पोखरा में बता रहे हैं कि वेदर काफ़ी ख़राब है। मे बी बारिश की वजह से ना ये इतनी पोस्टपोन हुई है। मॉर्निंग की 8 बजे की फ़्लाइट जो है ना वो लगभग 11 बजे गई है। आप समझ सकते हो 12 बजे वाली 2 बजे जा रही है, तो भी जी सर बहुत डिले हो गई सर। वेदर ठीक है आगे? ठीक है अभी। बस है ये एयरलाइंस की वाइट वाइट बस तो अच्छी है। Here we go. Hey. Sorry. Where are you from? England. England. Hey. Nice, nice. Is this live or is this a recorded? It's a recorded. I will update later. Ah, okay. Hello. After editing. Hello. The pool is amazing. Woo. Rabbit, rabbit. We bus abhi apni gaadi hame plane tak chhodne. Bus abhi apni gaadi hame plane tak chhodne. ATR
क्या भैया वापस से जा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम आई? बहुत हुआ है अभी ऊपर बारिश है। ये कह रहे हैं कि पोखरा में ना फिर से वेदर मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गया, जिसकी वजह से ना वापस लेके जा रहे हैं। बस में बिठा के प्लेन तक लेके गए, प्लेन से वापस ले जा रहे हैं। इन्हें वेटिंग रूम में लेके जाओ, वेट करेंगे। ऑलरेडी 2 घंटे फ्लाइट डिले थी, पता नहीं कितने घंटे और डिले होगी। भगवान करे बस कैंसिल ना हो। देखो भाई पैसेंजर जो है ना वापस आ गए हैं, हम धक्के खा के फ्लाइट तक ले जाके वापस यहाँ पे वेटिंग एरिया में ले आए। और ये जो स्टाफ है ना ये कह रहे हैं कि वेट कीजिए, हमने बोला इनको कुछ स्नैक्स वगैरह लंच वगैरह का मतलब अरेंजमेंट किया जाए। देखो सभी पैसेंजर यहाँ वेट कर रहे हैं फिर से वापस आके। ये सिचुएशन है भाई यति एयरलाइंस की अभी ये हालत है कि फ़्लाइट जो है वो बिल्कुल कोई अपडेट नहीं है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि कैंसिल हो जाए। और फूड के लिए बोला तो वो फूड भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, कुछ भी स्नैक्स तक भी नहीं है। कह रहे ब्लैक चाय होती है ना वो देंगे। अब हम यहाँ पे कैफ़े हैं, यहाँ के प्राइसेस एक तो इतने हाई हैं और उतना कुछ ज़्यादा कुछ खाने के लिए ऑप्शन भी नहीं है। तो यहाँ से हमने लिया एक चाउमीन और एक रोल, यही खा के गुजारा करेंगे। तो यहाँ से हमने ना लिया रोल और एक ये चाउमीन, दो चीज़ें ली हैं। और अच्छी बात क्या ना अनाउंसमेंट हो गई है, जैसे हमने ये खाने का लिया अनाउंसमेंट होगी कि आ जाओ फटाफट से, बोर्डिंग फिर से शुरू हो गई है। हे भगवान जल्दी से हमें पोखरा पहुंचा दो। तो जी फाइनली बारिश जो थी ना, कह रहे हैं कि मतलब पोखरा का जो एयरपोर्ट था वो क्लोज था, फाइनली बोला कि अभी ओपन हो गया है और अभी प्लेन फिर से जाने को तैयार है। खाना लेके पता चला कि अरे भूख लगी थी बहुत जोर की, और यहाँ मेरा प्लेन मस्त आया देखने में गजब। प्लेन में ना बोर्डिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है पैसेंजर की, ऐसा दिखता है कुछ ATR 72 सीटर ATR 72 500। लेट्स गो इनसाइड। दोस्तों आज का हमारा सफर होगा नेपाल की यति एयरलाइंस में। मौसम अभी भी देखो काफी क्लाउडी है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा है प्लेन। तो बस ये डिले ना होता तो और भी मजा आ जाता। देखो कितना ऊपर ब्लैक जादू है यार मौसम का, यहाँ पे एनी टाइम बारिश कभी भी आ सकती है। चलते हैं अभी प्लेन के अंदर, लेट्स गो। थैंक यू। तो जी प्लेन अभी फुल खचा खच लग रहा है, मस्त भरा हुआ। तो अभी चलते हैं हम अपनी सीट पर। 10F है हमारी 14। देखो 2x2 की प्लेसिंग है, प्लेन तो मस्त है। ये देखो विंडो सीट पकड़ के कैसे मजे से बैठा चाउमीन ये तो 10 थी हमारी, तो 10 मैंने विंडो सीट ली है इनसे। 10 यार हमारी है ये, इनसे क्या लेंगे विंडो सीट। मेरा भी है 10। ये एफ मेरी, आई लव विंडो सीट। फाइनली बैक टू माय विंडो। ओके यहाँ पे इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री कैंडी लेके आए हैं, तो ले लेते हैं एक। ओके थैंक यू वेरी मच। विमान ने अभी टैक्सी कर ली है और जा रहा है रनवे पर। माउंटेन से घिरा हुआ खूबसूरत माउंटेन। सो इट्स टाइम
झोला खराब मौसमको कारणले गर्दा जहाजहरूले नै सम्भावना रहेकोले आफ्नो सुरक्षाको लागि सिटको पेटी बाँधी रहनुहुन अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। अपनी सीट दे दी विंडो उनको और देखो यहाँ पे ना कॉम्प्लीमेंट्री पीनट भी दे रहे हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे पीनट भी है कॉम्प्लीमेंट्री। ओके थैंक यू। लेट फ्लाइट हुई ना इसलिए दिया ये सॉल्टेड पीनट। एक कॉम्प्लीमेंट्री फिश भी दी है हमें। हर जगह आपको बादल ही बादल उड़ते हुए नजर आएंगे और कुछ ही समय में आपको यहाँ की पीक अन्नपूर्णा पीक जो है माउंटेन रेंज वो भी नज़र आएगी। बट स्टिल सो ब्यूटीफुल यार, सो लवली। अरे यार मज़ा फुल ऑन खूबसूरती, बादलों की छेड़छाड़। देखो फ्लाइट पे डगमगाने लग जाती है जब बादल टकराते हैं ना। और यहाँ पे आपको ना सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं और ये ट्रैवलर का परिक्रमा, ये आप मस्त पढ़ते हुए जाना पूरा। देखो इसमें कृष्णा मंदिर मंडम ट्रैक इसके बारे में भी बहुत सारी डिटेल है और काफ़ी खूबसूरत नीचे लेक भी डिस्क्रिप्शन में है यहाँ डिपिक्ट की हुई है। फ्लाइट अभी उड़ी थी और पोखरा आने को है। लगभग ये 25 मिनट की होती है टोटल फ्लाइट और नीचे देखो कितने पूरे बादल छाए हुए हैं। अभी कुछ नज़र भी नहीं आ रहा और नीचे देखो रिवर भी आपको नज़र आने लगेगी। इस रिवर का नाम है ना वो है सेती रिवर। सेती का मीन्स होता है वाइट, मिल्की वाइट। द रिवर लुक्स सो ब्यूटीफुल, जस्ट एंजॉय ड्रोन शॉट। मोबाइल से लिया हुआ ड्रोन शॉट, इतनी खूबसूरती है यार। देखो स्नेक लाइक है एकदम सेती रिवर। अभी देखो कुछ कुछ नीचे घर भी नज़र आने लगे हैं हल्के हल्के से बादलों में छिपे हुए घर। लैंडिंग का जो समय होता है ना आई जस्ट लव दैट पार्ट। टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक के टोटल 25 मिनट्स लगते हैं। वैसे फ्लाइट जो थी 12-13 मिनट्स की रहती है। तब कमाल की थी, मजा आ गया, कंफर्टेबल थी। नमस्ते। राजीव पहुँच गए हमारी फ्लाइट और एयरपोर्ट का दृश्य है ना बहुत खूबसूरत है। देखो चारों तरफ बादल ही बादल। सेफली वेलकम टू पोखरा एयरपोर्ट। आ चुकी है बस।
और मौसम ऑसम। देखो भाई ये प्लेन आ चुका है अपना यहाँ पे और देखो कैसा मस्त मौसम है, क्लाउडी। उधर नेपाल का फ्लैग भी लगा हुआ है, मस्त है यार। एयरपोर्ट तो गजब है, कुछ भी कहो यार। देखो ओहो वाह भाई वाह, उधर भी है प्लेन, बुद्धा एयर, नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। छोटा सा ट्रैक्टर भी है, क्यूट ट्रैक्टर, देखो यार कितना क्यूट ही। ओके ये बस तो भर के चली गई, तो हम आएंगे अब इस सेकेंड वाली बस में। देखो भाई पोखरा का एयरपोर्ट, ओहो इतना सुंदर बना हुआ यार, क्लाउड से घिरा हुआ माउंटेन के बीच में। वेलकम टू पोखरा एयरपोर्ट। एटी एयरलाइंस का ये एटीआर 72500 सफ़र बहुत अमेजिंग रहा, मज़ा आ गया, ऊपर से मौसम ने भी साथ दिया। चले अंदर बस में, तो देखो पीछे जो है ना अपना लगेज भी निकाला जा रहा है, देखते हैं कौन सी बेल्ट पे मिलेगा अपना लगेज। आजा जी, वेलकम टू पोखरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट अराइवल, डोमेस्टिक अराइवल। देखते हैं अपना लगेज जो है वो कौन से बेल्ट पर आएगा, ऐसा दिखता है यहाँ पे। ये बेल्ट तो एक ही दिख रही है, ये वाली आई थिंक इसी बेल्ट पे आया है हमारा लगेज, बेल्ट नंबर 1। कहाँ देखो 12:30 बजे पहुँचना था और कहाँ 4 बजे पहुँच रहे हैं, बट शुक्र है कि पहुँच गए, वरना वो फ्लाइट कैंसिल हो जाती तो क्या ही करते, पूरा दिन वेस्ट तो हुआ। बट अभी पोखरा में हमें समय मिल जाएगा, कल कुछ ना कुछ अच्छा एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम जाएंगे ना बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी जिन्होंने हमें इनवाइट किया है पोखरा में, विल टेक यू देयर एंड आपको वहाँ का पूरा एक टूर भी देंगे, मज़ा आ जाएगा। लो जी आ गया हमारा ज़ूक का बैग, लगेज लेके आ चुके हैं अभी बाहर, ये है हमारा लगेज। और देखो यार जैसे ही बाहर आओगे ना इतना खूबसूरत यहाँ का भी वेदर है, व्यू है, ये है एग्जिट। सब लोग यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए रुके हैं क्योंकि एयरपोर्ट है ही इतना खूबसूरत। और ये एयरपोर्ट जो है ना वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, बहुत प्यारा है। आई थिंक काठमांडू भी अपनी जगह खूबसूरत है बट पोखरा एयरपोर्ट की बात कुछ और है। सारंगकोट होटल है, सारंगकोट है आपका? हाँ जी। इंडियन आपको 2000 रुपये पड़ेगा, इंडियन 2000 रुपये। नेपाली कितना? नेपाली 3000। 3000 नहीं, बहुत महंगा है। नेपाली नेपाली बोल रहा है? नहीं नहीं 3000 तो ज़्यादा है, 3000 ज़्यादा है। देखो भाई यहाँ पे हम एयरपोर्ट से अभी बाहर निकलते ही टैक्सी तो बहुत सारी हैं पर प्राइस इनके कुछ ज़्यादा ही है, 3000 NPR बोल रहे हैं। हमें किसी ने बोला 2500, ठीक है 2500 में मान गए। लो जी ये हमने यहाँ पे टैक्सी लिया है, मान नहीं रहे, बड़े मुश्किल से 2500 में माने हैं ये। चलो ठीक है भाई, अब जाना है तो जाना है सारंगकोट। पोखरा का कितना लेते हैं पोखरा का? 700-800 में जाता है। हाँ 700-800 ना, बस ठीक है। लो जी ये है हमारी कैब, चले। तो अगर यहाँ से आपको पोखरा जाना है तो लगभग 8 किलोमीटर है, परंतु आज हमारी सवारी जाएगी माउंटेन पे। तो यहाँ पे ना बहुत ही खूबसूरत जगह है सारंगकोट, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी जो है हमने आपको बताया उन्होंने इनवाइट किया हुआ है, गजब की प्रॉपर्टी मिलने वाली है। थोड़ा माउंटेन पे है तो लेस क्राउडेड और हसलिंग बसलिंग नहीं होगी उतनी, और ऐसे मौसम में मज़ा आएगा, तो ड्राइव का मज़ा लेते हैं। लेट्स गो टू द सारंगकोट। जी यहाँ भैया ने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया, ये है हमारा रिजॉर्ट जहाँ हमारा होगा स्टे सारंगकोट में, भंजियांग विलेज। तो जी यहाँ से हमारा लगेज भी लेके जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सी प्रॉपर्टी लग रही है दूर से ही। बच बच बच।